हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आज आपका स्वागत है। आज मैंने मिक्स दाल सब्जी बनाया है जो फुल ऑफ विटामिन से भरा हुआ है। अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो या कुछ अलग खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं आराम से। और इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में स्नैक के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं बना के। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं एक हफ्ते तक फ्रिज में रख कर, जब भी खाने का मन हो निकालें और आप ग्रेवी लगा सकते हैं इसमें। मैंने आगे वीडियो में बताया है इसे कैसे आप स्टोर कर सकते हैं और इसे स्नैक के रूप में बच्चों को कैसे दे सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। मिक्स दाल सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो मैं रोज़मर्रा की दाल यूज़ करती हूँ घर में वो दाल लिया है। इसमें मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और तूर दाल है। इसको हम धोकर सोक करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसे मैंने 4 घंटे के लिए रखा था सोक करने के लिए। ये सोक हो चुका है। अब इसका हम पानी निकाल के ग्राइंड कर लेंगे एक मिक्सी जार में डालकर। आप इसकी जगह पे कोई भी दाल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पहले थोड़ा ही पानी डाल के हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा हमें रखना है, बिल्कुल इस तरीके से रखना है। मिक्स दाल सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। थोड़े से धनिया पत्ता लिए हैं मैंने यहाँ पे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून और 1 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, उसको ऐसे बारीक काट लिया है। और ये दाल हमने जो ग्राइंड किया था दाल है। और 2 प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया है, मीडियम साइज़ के प्याज है ये। सबसे पहले हम दाल को स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर ऐड किया है। ये 1 टेबल स्पून नमक, चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और इन सभी को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमें जिसमें इसको स्टीम करना है उस प्लेट में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। और ये हमने जो दाल का पेस्ट तैयार करके रखा है सभी को हम इसमें पोर कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। मैंने पानी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम 20 से 25 मिनट तक स्टीम करेंगे ऐसे ढक कर। जब तक हमारा ये स्टीम हो रहा है हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल ऐड कर देंगे। ये 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ मैं, ये सॉलिड हींग है। 1 बे लीफ, 1 लाल मिर्च और ये जीरा, इसको हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। हमारा जीरा पक चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ और इसको हम भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, इस कलर तक हमारा प्याज हो जाएगा तब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, हरी मिर्च, इनको डाल के हम 1 मिनट तक भुनेंगे। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, ये मैंने चिकन मसाला ऐड किया है ये 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे।
और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम भुनेंगे जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके टमाटर तो पकेंगे ही प्लस मसाले भी भुन जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया है और ढक के हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारा स्टीम हुआ है कि नहीं। ये देखिए, चेक करने के लिए एक चाकू लें, उसके पॉइंट से ऐसे करके देखें। ये हमारा स्टीम हो चुका है, लगभग 20 मिनट लगे हैं इसको। अब हम इसको चाकू की सहायता से ऐसे घुमाते हुए आराम से निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए, इसको मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, अब कुछ मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। ये मैं मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, उनको स्नैक के रूप में भी देती हूँ मैं उनको, और बहुत हेल्दी भी है ये। ये देखिए, ये जो स्क्वायर में मैंने कट किया है इनकी मैं सब्जियाँ बनाऊंगी, और जो ये राउंड में मैंने कट किए हैं ये बच्चों को स्नैक के रूप में दूंगी। इसको आप 2 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। अब हम इसको तवे पर सैलो फ्राई करेंगे। आप इसको स्माइली भी ऐसे बना सकते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। मेरे पास अभी स्ट्रॉ नहीं है तो मैं ये चाकू के पॉइंट से ही इसके आइस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, बन के रेडी है। तवे पे थोड़ा सा तेल डालें, उसको चारों बगल अच्छी तरीके से फैला लेंगे और एक एक करके हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे हल्का हल्का ब्राउन होने तक। अब हम इसको एक एक करके पलट लेंगे और दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे, तब तक हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसको निकाल के गर्मा गर्म आप बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए, बन के रेडी है। अब मैं ये स्क्वायर वाले फ्राई कर रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। सेम उसी तरीके से फ्राई करेंगे जिस तरीके से हमने राउंड वाले पहले फ्राई किए हैं। दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये बन चुका है, पक चुका है। अब इसको हम अलग सेपरेट प्लेट पर निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है सब्जी में। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया है। बॉईल आ चुका है, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया मैंने यहाँ पे, और हमने जो स्क्वायर में ये पीसेस फ्राई किए थे ये ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक इसको हम ग्रेवी के साथ पका लेंगे। हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी वाली, तो आप पानी थोड़ा और ऐड करें। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए तो मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया है इसमें। बस हमें 1 मिनट तक पकाना है इसको ऐसे ढक कर। ये देखिए, हमारी सब्जी बनके रेडी है। कितना अच्छा कलर आया है ये देख सकते हैं आप वीडियो में। बहुत टेस्टी भी बनती है ये सब्जी। आप देख सकते हैं सब्जी में क्या कलर आया है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। चपाती, राइस, जिसके साथ आपको खाने की इच्छा हो उसके साथ खा सकते हैं। एक दाल से आप
देख सकते हैं दो प्रकार की चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई। स्नैक भी बना सकते हैं बच्चों को लंच में, आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये बना के रख सकते हैं सफ़र में खाने के लिए, फुल ऑफ प्रोटीन है इसमें और बहुत ही आसान भी है और सभी को पसंद भी आता है। आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए है ना मज़ेदार रेसिपी। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग के लिए।